Xiaomi का कहीं ना कहीं जो मार्केट है अब डाउन हो रहा है, चाहे वो इंडिया की बात करें या कहीं पूरे वर्ल्ड की बात करें, Xiaomi का जो है मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नई नई कंपनी आ चुकी है और जो Xiaomi पहले देता था अब यहाँ पर बहुत सारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है हम यूजर को। अब यहाँ पर Xiaomi को कुछ ना कुछ नया करना होगा, तो Xiaomi ने कुछ नया यहाँ पर जरूर किया है। वो क्या नया है और उसके साथ इंडिया में क्या धमाल कर सकता है, अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव, आप देख रहे हैं यहां एवरीथिंग। दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे आपको रेड कलर का बटन मिल जाएगा, उस पर आप प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं Xiaomi ऐसा क्या धमाल कर सकता है जिससे कि जो उसका मार्केट है अभी डाउन हुआ है फिर से वैसा ही हो सके। आप जानते हैं कि नोट 4 इंडिया में जब लॉन्च हुआ था बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन था, लेकिन उसके बाद नोट 5 आया, कोई कमाल नहीं था। Note 5 Pro काफी अच्छा था लेकिन बेस्ट सेलिंग अभी वो भी नहीं हुआ है। अब दोस्तों इंडिया में Realme आ चुका है और काफी कम प्राइस में आपको एक 15,000 के अंदर आपको बहुत सारा अच्छा यहाँ पर स्मार्टफोन Realme की साइड से आपको देखने को मिलेगा। आप जानते हैं कि Realme 2 Pro लॉन्च होने वाला है, काफी बढ़िया प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा, 13,000 से 14,000 का प्राइस होगा जो कि काफी अच्छा है। अब यहाँ पर Xiaomi सोच रहा था क्यों ना हम इस साल Redmi का Note 6 Pro लॉन्च कर दें, लेकिन लॉन्च होने से पहले इसका सारा अनबॉक्सिंग वीडियो जो है इंटरनेट पे घूमने लगा और उस फोन में आपको क्या मिला, बस आपको एक यहाँ पर सेल्फी यहाँ कैमरा में 2 मेगापिक्सल कैमरा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया और एक बड़ा सा नोच दे दिया डिस्प्ले में, बाकी आपको कोई भी चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं मिलता है नोट 5 प्रो के जैसा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ऐसा Xiaomi क्यों कर रहा है। दोस्तों Xiaomi सोच रहा था कि Realme 2 Pro में आपको फिर से P60 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो कंफर्म हुआ है कि Realme 2 Pro में आपको Snapdragon का 660 मिलेगा। अब Xiaomi जो है कहीं ना कहीं अपना मन जो है बदल सकता है इंडियन मार्केट के लिए। जी हाँ, Xiaomi सोच रहा था कि Redmi का Note 6 यहाँ पर इंडिया में लॉन्च करेंगे, Note 6 Pro यहाँ पर फिर से सेम प्रोसेसर के साथ लॉन्च करेंगे और काफी अच्छा हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यहाँ पर कैमरा ऐड कर दिया और नॉच देकर यहाँ पर सोच रहा था कि Xiaomi इस फोन को लोग खरीद लेंगे, लेकिन उससे काफी बेटर ऑप्शन इंडिया में अब अवेलेबल होने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं ऐसा कौन सा फोन जो है इंडिया में लॉन्च कर सकता है Xiaomi जिससे कि फिर से इसका मार्केट जो है अच्छा हो सकता है। एक ही फोन है Xiaomi का, वो है Mi 8 Lite। Mi 8 SE यहाँ पर इंडिया नहीं आया, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो आएगा, लेकिन हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि Xiaomi का Mi 8 Lite इंडिया आ सकता है। नाम हो सकता है उसका यहाँ पर Redmi का Note 6 हो जाए, लेकिन वो फोन इंडिया आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस फोन में आपको लगभग सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन। दोस्तों Xiaomi का अब तक जितना भी फोन लॉन्च किया है, मुझे सारा फोन में इसका डिजाइन जो काफी बेटर लगा। आप देख सकते हैं किस तरह का आपको ग्रेडिएंट कलर मिल जाता है, काफी बढ़िया इसमें आपको कलर मिल जाएगा। बैक साइड आपको यहाँ पर ग्लास बॉडी मिल जाएगा जो कि दिखने में काफी खूबसूरत है। आगे की साइड में आप देखेंगे 6.26 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, नॉच मिल जाता है और उस नॉच के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। जी हाँ, 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और बैक साइड आपको मिलेगा Redmi के Note 6 Pro जैसा कैमरा 12+5 मेगापिक्सल का। बैक साइड आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा, फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाएगा और यहाँ पर 3350 mAh का बैटरी मिल जाएगा। ये बैटरी काफी अच्छा है क्योंकि आपको इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, टाइप सी आपको पोर्ट मिल जाएगा और हाँ दोस्तों आपको इसके साथ यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स MIUI का 10 यहाँ पर मिल सकता है एंड्रॉइड 8.1 के साथ। जी हाँ, लेकिन जहाँ पर मेन बात है इसमें आपको प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन का 660 मिल सकता है, 4GB RAM, 64GB ROM, 6GB RAM, 128GB ROM। दोस्तों इसका प्राइस चाइना में रखा गया है 4GB 64GB का लगभग 14,000, जी हाँ 14,000, और 14,000 के हिसाब से ये फोन जो है काफी किलर है। और Xiaomi अगर यहाँ पर मार्केट में बने रहना चाहता है इंडियन मार्केट में, तो इस फोन को Xiaomi को 1 से 2 महीने के अंदर लॉन्च करना होगा। अगर ज्यादा यहाँ पर लेट करेगा तो यहाँ पर Realme जो है मार्केट को कवर कर रहा है बहुत तेजी से, लेकिन इस फोन को Xiaomi इंडिया में लॉन्च कर दे और प्राइस यहाँ पर 14 से 15-17 हज़ार तक रह सकता है और काफी अच्छा होगा, क्योंकि Xiaomi का Mi A2 ज्यादा नहीं बिक रहा है तो Xiaomi को ये फोन बहुत जल्दी लॉन्च करना होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये फोन यहाँ पर मार्केट कवर कर सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वॉच एंड विन का अगला क्वेश्चन, जी हाँ आप ध्यान से सुनेंगे। Xiaomi का एक फोन लॉन्च हुआ था जिसका डिस्प्ले था कर्व, जी हाँ डिस्प्ले उसका कर्व था, वो कौन सा फोन था? अगर आपको पता है आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जी हाँ, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।